मारीना संदेश राय। महेंद्र चौहान जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के सचिव हैं और समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। मैं सिर्फ यहाँ आया नहीं हूँ बल्कि जोगी जी को ये संदेश भी दे रहा हूँ, वो दुस्साहस मत करिएगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से खेलने के सम्मान के साथ खेलने के लिए अपने दो घोड़ी के गुंडों को भगवा बनाकर भेजिएगा। और शासन प्रशासन को भी चेतावनी देता हूँ कि तत्काल ऐसे लफंगों के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर शासन प्रशासन को अपने कार्यालय और आवास से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। लिपापोती की कोशिश न की जाए, दिखावटी कॉस्मेटिक काम न की जाए कि गिरफ्तार कर दे और धारा लगा के छुड़वा दें, ऐसे लोग योगी जी के लिए भी घातक हैं। अगर कोई हमारे माननीय राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नाम पर इस तरह का व्यवहार कर रहा है और अखिलेश यादव जी के संज्ञान में नहीं, तो एक मिनट नहीं लगेगा अखिलेश यादव जी को उन लोगों को ठीक करने पे। योगी जी की खामोशी, लिपापोती और उनके मंत्रियों की खामोशी इस बात को साबित करता है कि ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी पालती है और पोसती है और ऐसे कुकृत्य कराती है जिसका जवाब न सिर्फ समाजवादी पार्टी देगी बल्कि समाज भी देगा। पुलिस पकड़ती है, कुछ मिनट बाद छोड़ जाते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये पुलिस अपने मन से, पुलिस को मोहब्बत थोड़े है इन लोगों से। खास तौर से वर्तमान एसपी से मुझे उम्मीदें हैं और अभी भी उम्मीद करता हूं कि वो कार्रवाई करेंगे। अगर किसी शासन के दबाव में अगर पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन कोई रियायत देने की कोशिश करी तो समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए मजबूत है, स्वतंत्र है और करना जानता है, और जब करता है तो ऐसे लोग रोते फिरते हैं सड़क से लेकर सदन तक। अखिलेश यादव को चैलेंज कर रहे हैं कि उनके साथ हम लोग चैलेंज है, क्योंकि जो बोलेगा सबको मारा जाएगा। ऐसे लोगों को अखिलेश यादव के मुंह से नाम लेकर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं। ये लोग दुकान चलाने वाला अखिलेश यादव बड़ी दूर की बात है, समाजवादी पार्टी के साथी जवाब देने में सक्षम है। नाम लेने के लिए तो मोदी, योगी और बोर्डन और सबका नाम ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है।